राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, भू माफिया से जमीन बचाने के लिए 15 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे गुलाब। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील किशनपुर थाना अंतर्गत मोतीपुर गांव के छतियों द्वारा सत्ता का आनक दिखाकर दलित गुलाबचंद भारती पुत्र स्वामीनाथ की बैनामा भूमि को जबरन कब्जा करने के संबंध में 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर धरना देंगे। गुलाबचंद भारती ने बताया कि छतियों द्वारा हमारी बैनामा की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, जो 10 दिनों के अंदर पीड़ित की जमीन कब्जा की गई वापस नहीं किया गया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भू माफियाओं से अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार सहित धरना देंगे। उन्होंने बताया कि यह धरना तब तक रहेगा जब हम को न्याय न मिल जाए। इस संबंध में गुलाबचंद भारती ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाबचंद भारती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चक भगवान दास मऊ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मोचीपुर लाठगाट सगड़ी आजमगढ़ से मैं रहता हूँ। क्या समस्या है सर, बार बार आप अधिकारियों के लगातार? समस्या मेरी यह है कि बाबू साहब का मामला है, 42 कड़ी जमीन है मेरी, शासन सत्ता का प्रभाव बना के एक टोटल मेरी जमीनियाँ हड़प ली है। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका? जय प्रकाश नारायण शाही हैं, उनके लड़के हैं विजय बहादुर शाही हैं। जो 42 कड़ी जमीन है, बाउंड्री लगी जमीन है, जिसमें 6000 ईंटा था, बालू था, मेरे ही ईंटे बालू से वो लिंटर करवा लिए। मैं अधिकारियों के यहाँ दौड़ता रह गया, अधिकारी भी उसको प्रताड़ित किए, दरोगा गाली देके भगा दिया और कहा कि इतना धाराएं लगा दूंगा कि फिर जमीन भूल जाओगे। कौन दरोगा इसी बात कह रहा था? अज्ञान प्रकाश तिवारी चौकी प्रभारी आए थे, नंद कुमार तिवारी कोतवाल थे, बागेश शुक्ला जो SDM थे, ये मेरे साथ बदतमीजी किए, कहे जमीन किससे लिए हो, जाके उससे मांगो। मैंने कहा कि वो तो मर गया है, तो कहे कि जाके ऊपर मांगो। उसके बाद कहे कि ये दोयम दर्जे के इंसान हैं सर, वहाँ से छोड़ दो। बाबू साहब कह रहे कि हम बसने नहीं देंगे चमारों को, 12 साल से मुझको परेशान कर रखा है आदमी। तो क्या इस समय क्या प्रकरण है उसमें, उस जमीन पे? प्रकरण मेरी जमीन साफ है, मेरी जमीन पूर्ण रूप से हड़प लिए हैं, मुझको न्याय चाहिए, न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? मैं 15 अगस्त को ज्ञापन दे चुका हूँ पहले भी, आज भी आपसे कह रहा हूँ, 15 अगस्त को 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री के कार्यालय पे बैठ के धरना दूंगा न्याय के लिए, मुझको न्याय चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे? मैं जिले में हर जगह दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया हूँ, DM साहब को दिया हूँ, SP साहब को दिया हूँ, बाकी अपने ट्विटर हैंडल से मैं DIG साहब को भी, कमिश्नर साहब को, सारे लोगों को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी ने न्याय नहीं किया। तो अगली कार्रवाई आप सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ ही जाना चाहते हैं? 15 तारीख को जाएंगे? जाऊँगा, निश्चित है, या तो न्याय मिले या तो मैं बैठूँगा। कब से बैठेंगे आप वहाँ धरने पे? मैं झंडा रोहण के बाद, स्वतंत्रता दिवस का झंडा रोहण मना लेंगे, उसके बाद बैठूंगा। PP News 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।